थैंक यू सभापति जी, आपको देख के तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हरियाणा की बात कर लें। वैसे मैं दो दिन से सुन रहा हूं, अगर अपोजिशन बेंचेज की सुने तो ऐसे लगता है स्थिति कुछ अलग है, मगर अगर इंटरनेशनल एजेंसीज और ट्रेजरी बेंचेज और एक्चुअल देखें तो हिंदुस्तान मोदी जी की कयादत में इतना बड़ा एक गढ़ा पार करके, यानी कि कोविड और अब दुनिया में दो जगह जंग चली हुई है, ऐसे हालात में भी हमारी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो ये एक फख्र की बात है। बट आई विल स्पीक फ्रॉम ए सोल्जर्स एंगल। पहले भी भारत सोने की चिड़िया रहा था, सोमनाथ सोने की चिड़िया था, मगर लुटेरा गजनी लूट के ले गया। उससे पहले भी हिंदुस्तान पे हमले होते रहे, क्योंकि हमारा डिफेंस मजबूत नहीं था और साइंटिफिक नहीं था। तो मैं डिफेंस की बात ज़रूर करूँगा कि हमारी ये सोने की चिड़िया की तरफ, जगत गुरु की तरफ जो हिंदुस्तान पेशकदमी कर रहा है, उसमें हम मोदी जी के सुरक्षित हाथों में कितने महफूज हैं। 2013 में डिफेंस बजट था 2.5 लाख करोड़, आज के दिन डिफेंस बजट है 6 लाख करोड़। और इतना ही नहीं, आज के दिन हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाते हैं, चंद्रयान को भी लैंड करते हैं दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, जो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हम अग्नि 5 भी बनाते हैं, जिसकी रेंज में पूरा संसार आ जाता है। और मोदी जी तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठ के ही वॉज लुकिंग एज फिट एज ए फाइटर पायलट, ये भी बड़ी फख्र की बात है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने कल बताया था लोकसभा में कि दो बहुत बड़ी गलतियाँ हुई, कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। दो गलतियाँ तो कश्मीर पूरा नहीं छुड़वाया और यूएन में सीज फायर के लिए चले गए, इस पे तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, मगर मैं कहता हूँ 4 गलतियाँ नेरवियन लीगेसीज टू दिस कंट्री, यानी पार्टीशन ऑफ द कंट्री फॉर द पर्सनल एम्बिशन ऑफ जिन्ना एंड नेहरू, यानी के देश का विविसेक्शन हुआ, 30 लाख मारे गए, करोड़ों माइग्रेट हुए, और फिर उस वक्त के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के रोकने के बावजूद भी हिंदी चीनी भाई भाई एंड स्मिटन बाई सोशलिज्म से उन्होंने बगैर कोई बाउंड्री धारण किए तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। ऐसी स्थिति आ गई कि आज के दिन ये स्वरूप युद्ध चेंज कर गया, और हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, सो कॉल्ड आज़ादी वाज इनफैक्ट टू बिगिन विद वाज बर्बादी। और हम इसलिए 14 अगस्त को विभिषिका दिवस मनाते हैं, पाकिस्तान डे, उसके बाद हिंदुस्तान पूरी तरह से युद्धरत है और युद्ध अपना स्वरूप चेंज कर गया है। ऐसे हालात में हमारी एग्रेसिव डिफेंस, यानी अब हम दुश्मन पे सर चढ़ के बात करते हैं। एक दफ़ा रक्षा मंत्री ने कहा था कि चाइना बॉर्डर पे हम सड़कें, सुरंगें, टनल विकसित इसलिए नहीं करते कि उनके आने के लिए आसान रास्ता हो जाएगा चाइनीज़ के लिए। आज हमारा सिपाही उनके सर पे ओवरलुक करता है और बड़ी सुपीरियोरिटी के साथ हम डोमिनेट करते हैं। इसी तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट है, मगर क्योंकि आपने घंटी बजा दी, मैं सोल्जर हूँ तो मैं ये कहूँगा कि हर एक फ्रंट पे
डॉक्टर हूँ, थोड़ी सी डॉक्टरी की बात भी कर लूँ कि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं। 2.2 बिलियन को हमने वैक्सीनेशन दिया और वैक्सीनेशन के भी हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। लगता ऐसे है कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा और भारत की गौरव गाथा को नरेंद्र मोदी दोहराएगा, ये हिंदुस्तान दोहराएगा। जय हरियाणा, जय हिंद।